में नहीं आएगा। तो कोरोजन का मीन्स क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाय एनी फैक्टर। मेटल किसी भी मेथड से टूट जाए, किसी भी तरीके से टूट जाए, चाहे हम उसको मैकेनिकल ब्रेक करें या वो केमिकल ब्रेक हो जाए, तो हम उसको कोरोजन कहते हैं। इसमें जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो ये होंगे कि सिल्वर को अगर हम एयर में खुला दे तो सिल्वर ब्लैक हो जाए, क्योंकि सिल्वर के ऊपर Ag2S की लेयर बन जाए। अगर हम कॉपर को एयर में खुला छोड़ दें तो बताओ कॉपर कैसा हो जाता? ग्रीनिश ग्रीन ग्रीनिश और ब्लू भी हो जाता है। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर, व्हेन कॉपर कैप्ड इन ओपन एयर मॉइस्चर, इट विल बिकम ग्रीन एंड ब्लू। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? और ये 10th क्लास का क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है कि ये 2002 में 2002 में आया था 10th के बोर्ड के तहत। तो कोई बता सकता है उस ग्रीन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मूला? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो हमने इसको पढ़ा था जब शुरू में मेटलर्जी पढ़ी। ये है मैलाकाइट, इसको कहते हैं मैलाकाइट, और इसकी वजह से कॉपर ग्रीन हो जाता है। और ये है एजुराइट, जिसकी वजह से कॉपर ब्लू हो जाता है ना। तो अगर वो हमसे पूछता है कॉपर ब्लू क्यों हो जाता है, तो ये है सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाती है। अब लास्ट बचा आयरन ब्राउन क्यों हो जाता है। तो आयरन ब्राउन हो जाता है Fe2O3 डॉट एक्सएस, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं एक्स, और इसको हम रस्ट कहते हैं, है ना। अब हम इसको कहते हैं रस्ट। अब हमारा आया कि कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर इफेक्ट कोरोजन को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो नंबर, कोरोजन को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर है कोरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, मेटल रिएक्टिविटी। जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा हो उसका कोरोजन फास्ट होगा। और अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका ई नॉट रिडक्शन कम हो। ये फर्स्ट फैक्टर है जो कोरोजन को मेनली कंट्रोल करता है। दूसरा फैक्टर जो कोरोजन को इफेक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। H2 का मतलब यहाँ पर मॉइस्चर है, ठीक है ना। तो मैं H2 हटाकर मॉइस्चर लिख दूँ एंड या और CO2 इन एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में कितनी CO2 है या H2 है, इस पे भी डिपेंड करता है कोरोजन, और ये इसका सबसे ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर है, और ये सबसे बड़ा इंटरनल फैक्टर है जो कोरोजन को इफेक्ट। बाकी सारे फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तीसरा फैक्टर ये है कोरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है और वो ये आता है कि सेलाइन वाटर में या खारे पानी में आयरन की रस्टिंग फास्ट क्यों हो जाती। सेलाइन वाटर में आयरन की रस्टिंग फास्ट क्यों हो जाती है, या आयरन का कोरोजन ज्यादा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्योंकि सलाइन वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। और फोर्थ फैक्टर है कोरोजन। कोरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज इन मैटर, अगर हम
किसी भी मेटल में इंप्यूरिटीज ऐड कर देंगे तो उसका कोरोजन फास्ट हो जाएगा। कोई बता सकता है कि इंप्यूरिटीज से कोरोजन क्यों फास्ट हो? Why corrosion become fast on adding impurities in metal? ठीक है ना? तो impurities metal में मिलाने से corrosion इसलिए fast होता है क्योंकि corrosion तब तक नहीं होगा जब तक उस metal में anode और cathode नहीं बन गए। अब अगर वो pure metal है तो single एक ही electrode बन सकता है और एक electrode में कभी भी corrosion नहीं होता। कोरोजन होने के लिए दो मेटल या दो इलेक्ट्रोड का होना जरूरी। तो जैसे हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, अब वो चाहे रिएक्टिव हो या लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक है ना? तो हम इसको और अच्छा कर दें तो ये हो जाएगी लेस रिएक्टिव, मतलब एरर लेस हो जाएगी, आप कोई गलती नहीं करेंगे। लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो मेटल मोर रिएक्टिव हो जाएगी और एनोड पर। अब नोट एक आखिरी कि कोरोजन हमेशा कोरोजन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड, कोरोजन हमेशा एनोड पर होगा, है ना? कोरोजन हमेशा एनोड पर होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कोरोजन में या एनोड पर मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते और फिर ये सॉल्यूशन में मिक्स। तो हमेशा कोरोजन वहां होगा एनोड पे होगा। दूसरा नोट, जो रस्टिंग है या कोरोजन है तो हम रस्टिंग को ज्यादा लिखेंगे क्योंकि कोरोजन एक जनरल वर्ड है। रस्टिंग क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना से मींस है इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस कंपाउंड दोनों बनेंगे और उनका एक्सचेंज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल से मींस है इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर ये खाली इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते और केवल केमिकल प्रोसेस होता तो सिर्फ कंपाउंड। तो हम इसके बाद चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। तो हम चलने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन और मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था पर 2020 में इसकी कोई वैल्यू नहीं रही 12th क्लास, ठीक है ना? तो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में हम देख सकते हैं कि हमेशा दो एनोड, एक कैथोड और एक एनोड होगा। अब देखना ध्यान से और हम साथ के साथ इस वाले क्वेश्चन को भी समझेंगे कि जो कोरोजन है वो कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉइस्ट एयर और CO2 पर डिपेंड कैसे कर। तब हम देखते हैं कोरोजन कैसे होता है। अगर आयरन की सरफेस अनइवन, अनइवन का मतलब ऐसा गड्ढा है, तो अब जब बरसात आएगी तो बताओ क्या होगा? जब बरसात आएगी तो बताओ क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा उसमें। इसमें पानी बढ़ जाएगा, वेरी। और पानी में क्या होगा? CO2 और H2O डिसॉल्व, ठीक है ना? पार्ट कर ली है, इस वाले पार्ट को हमने एनोड मान लिया है और जो गड्ढे वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको ऐसे बना देते हैं जिससे ज्यादा सही लगे, और जो कैथोड वाला पार्ट है वो गड्ढा। तो आयरन का जो एलिवेटेड सरफेस है वो एनोड का फंक्शन करेगा और जो गड्ढे वाला पार्ट है वो कैथोड। इस गड्ढे में H2 और CO2 दोनों मिलेगी और दोनों मिलकर H2CO3 बना ले। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल सब्सटेंस है, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता है और ये फौरन
एच प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट। अब ये सब देख सकते हैं प्रोटॉन बन गया है और ये प्रोटॉन तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये प्रोटॉन अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, मेटल के अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस फ्री इलेक्ट्रॉन को लेकर प्रोटॉन एटम में कन्वर्ट होता है। अब एटम तो सब जानते हैं कि बहुत ही रिएक्टिव होता है और फ्री स्टेट में रह नहीं सकता, तो हाइड्रोजन के दो एटम एयर से रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट होता है और ये कैथोड की रिएक्शन है जो गड्ढे में हुई। तो मैंने अब इसको दो पार्ट में अलग अलग सेपरेट कर दिया जिससे बच्चे को लिखने में आसान। ये कैथोड की रिएक्शन, अब ध्यान से देखना, इसने यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया था, ये अपने एडजेसेंट से लेगा और एडजेसेंट और अपने एडजेसेंट से लेगा और फाइनली ये वाला इफेक्ट इसके एलिवेटेड सरफेस पर आ जाएगा जो एयर के कॉन्टेक्ट, और एयर के कांटेक्ट में कौन है, आयरन। ठीक है ना, आप ध्यान से देखना, ये कंसेप्चुअल बात है, जिसको समझना हो कोई क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों हुआ, इस आयरन की वैल्यू इतनी होती, तो बताओ इसका कौन सा पार्ट स्टेबल होगा, Fe प्लस टू या F? Fe प्लस टू। एक जने ने Fe बोला और एक जने ने Fe प्लस टू, तो ये तो खिचड़ी बना दी। फाइनली बताओ आप, प्लस टू ज्यादा स्टेबल या Fe? Fe प्लस टू। कैसे पता लगा, काफी जनता जानना चाहती। सर वो नेगेटिव है तो फिर जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होगा। हाँ, हमने बताया था कि नेगेटिव हो तो रिएक्टेंट स्टेबल होता है और पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट स्टेबल, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है इसलिए रिएक्टेंट स्टेबल। इसका मींस है आयरन Fe से Fe प्लस टू में बदलने की कोशिश करेगा, ये भी देख लेना, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब इसमें कौन ज्यादा स्टेबल हो, Fe प्लस टू। Fe प्लस टू, Fe प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वैल्यू जीरो। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ आयरन की नेचुरल टेंडेंसी है प्लस टू में बदलने, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया था उसकी फुलफिल करने के लिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया और Fe प्लस टू बन गया, और Fe प्लस टू एयर से और वाटर से रिएक्ट करके Fe2O3 और प्लस 4H प्लस बना। तो देखो कोरोजन कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस था। इस H प्लस ने आयरन के इलेक्ट्रॉन लिए, उस इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस आयरन को ऑक्सीडाइज करना पड़ा या होना पड़ा। तो कौन है रेस्पॉन्सिबल कोरोजन के लिए, ये एच एसिड या बेस? एसिड। एसिड तो फिर से एसिड बन, तो कोरोजन इज ए चेन रिएक्शन। अगर एक बार कोरोजन शुरू हो गया तो फिर वो चलता रहे। अगर हमें कोरोजन को रोकना है तो किसको हटाना पड़ेगा, एसिड H प्लस, एसिड को, एसिड को हटाना पड़ेगा। अब ये जो Fe2O3 बनाना वो XH2O से रिएक्ट करेगा और रस या हिंदी में जंग बन लगा, तो हम कहेंगे आयरन पर जंग लग गई। अब वो पूछेगा जब आयरन की रस्टिंग होगी तो ये बन जाएगा, तो बताओ आयरन का वेट इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज, रस्टिंग से आयरन का वेट बढ़ जाएगा या कम? बढ़ जाएगा।
इंक्रीजेस इंक्रीज ऑक्सीजन और जुड़ गए इसलिए उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा। आप नोटिस करना जो भी आयरन के सेलर है वो आयरन को दुकान के बाहर डाल के रखते हैं सब। आप प्रतापनगर में घूमो तो देखना जो जो आयरन की चीजें बेचते हैं गार्डर वगैरह वो सब आयरन को बाहर रोड पर डाल के रखते हैं। क्यों? बरसात होगी तो जंग लगेगी, जंग लगेगी तो वेट और उसको फायदा हो। लेकिन अगर हम इस रस्ट को हटा दे तो वेट कम, ठीक है। तो रस्टिंग के लिए एक्चुअल में कौन रेस्पॉन्सिबल है? एसिड एच प्लस। तो अगर हम आयरन के ऊपर एसिड डाल दें तो क्या रस्टिंग फास्ट हो जाएगी या स्लो? बढ़ जाएगी, फास्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये है कोरोजन की मैकेनिज्म। अब हमें कोरोजन रोकना है तो हम देखते हैं कोरोजन को हम कैसे रोकते हैं। तो हमने कभी कभी नोटिस किया होगा या किसी ने देखा भी होगा कि जब हम नया मकान या नई आयरन की कोई चीज बनाते हैं तो हम उस आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग कर देते हैं या ब्राउन कलर का रंग कर देते हैं जिसको हम कहते हैं रेड ऑक्साइड। किसी ने नोटिस किया है क्या? यस सर, यस सर। तो अगर फिर भी किसी को देखना है तो देख सकता है। ये देखो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग है। ये कोटिंग किसकी है? सबसे पहला तरीका है आयरन के रस्टिंग रोकने का बेसिक पेंट लगा दो। बेसिक पेंट का मतलब ऐसा पेंट जिसके अंदर हो है चाहे। और वो पेंट कौन सा होता है? रेड ऑक्साइड। और इस रेड ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4। हमने इसके ऊपर ऐसा आयरन कोट दिया है, लगा दिया है जो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जा चुका है। अब इसका कुछ नहीं होगा। किसी ने दिल्ली का आयरन ब्लड सुना है क्या? 11th की केमिस्ट्री के बुक में। यस सर। उसकी रस्टिंग नहीं होती। क्यों? उसकी रस्टिंग नहीं होती। कोटिंग ऑफ रेड ऑक्साइड उसके ऊपर है या रेड ऑक्साइड की कोटिंग। तो कोरोजन को आयरन के कोरोजन को रोकने का पहला तरीका यह है कि हम उसके सरफेस पर ब्राउन कलर का पेंट लगा देंगे जिसको हम कहेंगे रेड ऑक्साइड, ठीक है ना। आप कभी रोड पर निकलो तो देखना एक एड मिलेगा आपको जंग रोधक सीमेंट। किसी ने कभी देखा है क्या? और सीमेंट का नाम होता है ये श्री सीमेंट। तो बताओ श्री सीमेंट के अंदर क्या मिला हुआ होता है? रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम चलते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है उसको हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। उसका नाम है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब जानते ही हो, पुलिस वाले बैरियर लगाकर खड़े हो जाते। किसके लिए खड़े हो जाते पुलिस वाले बैरियर क्यों लगाते? कोई तो बताओ भैया। सर, चोर को पकड़ने के लिए। चोर पकड़ने नहीं। देखना हिंदी में बैरियर का मतलब होता है ये। अवरोधक। अवरोधक को हिंदी में कहते हैं, मतलब एक्सप्लेन करेंगे किसी को रोकने वाला। तो
पुलिस वाले रास्ते में रोकने के लिए अवरोधक लगा देते हैं, मतलब बैरियर लगा देते, ठीक है ना। बैरियर का मतलब होता है रोकने वाला। अब ध्यान से देखना, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पर भी बैरियर लगा होता है, तो वहां कोई चोर थोड़ी पकड़ना होता है, वहां ट्रैफिक रोकना होता है। तो बताओ रस्टिंग आयरन की शुरू कैसे हुई? आयरन की रस्टिंग कब शुरू हुई? नहीं, जब बरसात हुई। आयरन की रस्टिंग की शुरुआत हुई थी बरसात से। बरसात हुई थी, गड्ढे के अंदर CO2 और H2O मिले थे, दोनों के मिलने से H+ प्रोड्यूस हुआ था और उस H+ ने रस्टिंग की शुरुआत की। तो अगर हम इन दोनों को मिलने ही ना दें तो, अगर इन दोनों को मिलने ही ना दें, ठीक है ना, या ऐसा कुछ करें कि आयरन और इस बीच में कोटिंग लगा दें, तो हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर ऑयल लगा देते हैं, आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है ना, और ग्रीस भी लगा देते, या इन गड्ढों को क्या कर दे, इन गड्ढों को और गहरा कर दे या खत्म कर दे? खत्म कर दे। इसे डेंटिंग कहते हैं। तो कभी कभी हमने सुना होगा कि गाड़ी कहाँ गई है, डेंटिंग और पेंटिंग के, ठीक है ना। तो जब पेंट कराते हैं तो डेंट भी कराते हैं, डेंट इसलिए कराते हैं गड्ढे खत्म हो, अदरवाइज इस गड्ढे में ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से H+ प्रोड्यूस। ये दूसरा तरीका है। जिंक कोटिंग भी तो हो सकती है, है? जिंक कोटिंग। हाँ जी, अभी आ रहे हैं जिंक कोटिंग। ये दूसरा तरीका है रोकने का। अब एक तीसरा एक्टिव तरीका भी है और इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोडक्ट। कोई हिंदी में बता सकता है कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान। तो बलिदान कब होता है, किसे बलिदान कहते हैं? जब कोई अपने लिए मर जाए या दूसरे के लिए? दूसरे के लिए। दूसरे के लिए। जब कोई दूसरे के लिए मर जाए तो उसे बलिदान कहते हैं। तो अब इस मेथड में एक मेटल दूसरी मेटल को बचाने के लिए अपना बलिदान करता है, ठीक है ना। एक मेटल दूसरी मेटल को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सेक्रीफिशियल। ये हमारी गाड़ी कार है और कार आयरन की बनी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर जिंक का रंग लगा देते या जिंक की कोटिंग कर देते। अब आयरन तो एयर के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो रस्टिंग होगी नहीं, इसकी रस्टिंग होगी नहीं। अब एक बदमाश बच्चा या बच्ची जो भी आप, वो उसके गाड़ी के बगल से निकला और उसने अपनी चाबी से इसकी कोटिंग को ब्रेक कर दिया। कई बच्चे होते हैं जिनके हाथ चलते ही रहते हैं, जो डेस्क को खोद डालते हैं पूरा का। तो अब एक बच्चा इसके पास से गुजरा और देखो इसने इसकी कोटिंग को ब्रेक कर दिया, मतलब कोटिंग को उखाड़ दिया। अब ये तो आयरन है और ये जिंक, दोनों ही एयर के कांटेक्ट में आ गए, जबकि यहाँ तो आयरन उसके कांटेक्ट में था ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं हो। या जिंक इसको बचाने के लिए ऊपर से अपना बलिदान दे रहा था, जितनी भी एयर आ रही थी सब जिंक से रिएक्ट कर करके हट रही थी। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, आयरन भी एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से रिएक्टिव मेटल कौन सी ज्यादा, जिंक और आयरन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक। जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है क्योंकि जिंक का जो पोटेंशियल होता है वो -76 होता है और आयरन का अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था 0.44, अभी लिखा भी हुआ है, देखो आप दिखेगा पीछे, ये रहा।
तो अब क्या हुआ कि कोई अगर किसी आयरन का एटम, अगर कोई आयरन का एटम एयर से रिएक्ट करके Fe प्लस टू में बदल भी गया तो उसी टाइम जिंक इसको बचाने के लिए अपना बलिदान दे देगी, मतलब अपना सेक्रीफाइस कर देगी। तो जिंक ने आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। तो दिस इज सेक्रीफिशियल है, यहाँ पे नहीं किया है उसने सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यहाँ पे किया। वहां तो आयरन का कोई लेना देना था ही नहीं, यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो गया था। तो आयरन को बचाने के लिए जिंक ने अपना बलिदान दे दिया और इस मेथड को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब हम एक और मेथड पढ़ रहे हैं। ये मेथड जनरली हम मोबाइल चीजों के लिए यूज करते हैं, बाड़ी हुई, ठीक है ना। और ये वाला मेथड स्टेबल अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए यूज करते हैं। अब हमने जिंक की कोटिंग कर दी, जिंक के सॉरी आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर दी और इसको टाइनिंग कहते हैं, इसको टाइनिंग कहते हैं। तो वो पूछेगा टाइनिंग में किसकी कोटिंग करते हैं, टाइनिंग में हम टिन की कोटिंग करते हैं। टिन आयरन को बचाता रहेगा क्योंकि आयरन एयर के कांटेक्ट में नहीं है। वही बच्चा जो पिछली बार जिसने कोटिंग तोड़ी थी, अब वो फिर गया और उसने फिर से कोटिंग तोड़ी, अब उसने फिर से कोटिंग तोड़ दी, अब टिन और आयरन दोनों एयर के कांटेक्ट में आ। पर अब सिचुएशन डिफरेंट है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? और ये मोर रिएक्टिव। तो अब क्या होगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो Sn प्लस टू जो एयर के कांटेक्ट में आने से बन गया था वो टिन Fe को Fe प्लस टू में बढ़ा दे। तो टिन ने रस्टिंग को, कोटिंग ब्रेक होने के बाद टिन ने रस्टिंग को क्या कर दिया, टिन ने बढ़ा दिया। तो वो तुमसे पूछेगा कौन सी कोटिंग बेटर इन दोनों में। Zn गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिन कोटिंग, बिकॉज़ व्हेन टिन कोटिंग ब्रेक रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम फास्ट। जब टिन की कोटिंग ब्रेक हो जाएगी तो आयरन की कोटिंग फास्ट। अब देखना और ध्यान से देखना, ये कॉपर और टिन, बताओ कौन सा एलॉय बन गया, कौन सा एलॉय है? ये तो 10th क्लास में पढ़ते हैं। ब्रॉन्ज। तो इसका नाम तो है ब्रॉन्ज और इसका नाम है ब्रास। बताओ खाना पकाने के लिए कौन सा कंटेनर बेटर, ब्रास? ब्रॉन्ज बेटर है क्यों? ब्रास बेटर क्यों? किसके घर में आज भी पीतल के बर्तन यूज होते हैं? कोई तो होगा क्लास, सर कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ पीतल के बर्तन यूज होते हैं आज भी। आपने कभी इस पीतल के बर्तन के अंदर सफेद रंग की कोटिंग देखी है? व्हाइट कलर की कोटिंग जर्नी जिनके चूड़ा यूज होता है कभी कभी, उनके ऐसे बर्तन यूज करते हैं, देखे है क्या? ये बर्तन के अंदर टिन की कोटिंग है, इसे कलाई कहते हैं। तो ब्रॉन्ज इज अ बैटर, ब्रॉन्ज इज अ बैटर देन ब्रास। रीजन क्या? देखो सर वीडियो पॉज हो गया।
हाँ हो गया खूब मस्त चल रहा है वीडियो तेरा पॉज हो गया। तो जिंक और टिन में से कौन सी मेटल रिएक्टिव है? जिंक 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 अगर हम पीतल के बर्तन में नींबू नहीं निचोड़ सकते है ना, पीतल के बर्तनों में नींबू नहीं निचोड़ सकते, क्यों नहीं निचोड़ सकते? क्योंकि नींबू जिंक से रिएक्ट कर देता है लेकिन टिन से रिएक्ट नहीं करता। कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन ये है कि कौन सी मेटल ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती है, कौन सी मेटल? टिन। टिन ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती है इसलिए खाना पकाने के लिए टिन के बैटर बर्तन। तो बताओ अगर हम हमारे पास चॉइस हो कि किसके बर्तन यूज करें? सर पीतल के बर्तन में कली क्या होती है? आप अपनी मदर से जाकर पूछना वो बताए। पीतल के बर्तन के ऊपर टिन की कोटिंग करा देते और वो सफेद कलर की या सिल्वर कलर की दिखती है, ठीक है ना? आप अपने मदर से पूछोगे तो मदर शायद हमें लगता है सर वो नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? तो नींबू अगर हम निचोड़ देंगे पीतल के बर्तन में तो सब्जी खराब हो जाए, पॉइजनस हो जाए। ओके सर, ठीक है ना? तो तीनों में से किस मेटल का बर्तन सॉरी किसका बर्तन खाने के लिए बेस्ट? स्टील। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज बेस्ट मेटल। हमने सुना होगा कि घर में आजकल लोग क्या है कॉपर का कंटेनर यूज करने लगे हैं पानी के। हाँ कोई बता सकता है क्यों? पानी का पानी के लिए कॉपर का ही बर्तन क्यों? कॉपर सर गुड फॉर हेल्थ, जल्दी गर्म हो जाता है। कुछ हमने क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन है? कॉपर। बताओ हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो अगर हमने कॉपर के कंटेनर में पानी रख दिया तो क्या कॉपर इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? No, sir. वाटर ही रहे मतलब H2O में मेबी Ag और बेटर हो सकता है, अगर चांदी के बर्तन तो और बेटर हो सकता है। अगर हम पानी को ग्लास में या ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, कुछ तो कांच के ग्लास में पानी रखते हैं तो ग्लास H2O होती है और ऐसा ही ऑटो के वजह से वाटर कैसा रहेगा? नो सर, वाटर हो जाएगा और वो हमारे के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम मटके में रखते हैं मटका पका हुआ होता है या बिना पका हुआ? पका हुआ होता है। पका हुआ उसको इसलिए पकाते हैं, वो भी सिलिका से ही बनता है इसलिए पकाते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए। अगर हम कच्चा मटका यूज करते हैं तो उसमें से मिट्टी घुल घुल कर पानी में जाती है और उससे पानी एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना? दूसरी बात, जो कॉपर मेटल है वो दर्द को पेन को खत्म करती है। तो अगर किसी के बॉडी में बहुत पेन रहता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द है, तो कॉपर का कंटेनर या कॉपर की चीजें यूज करने से उसका दर्द कम होता है। सर क्यों ऐसा क्यों होता है? कॉपर एनाल्जेसिक सब्सटेंस। कॉपर इज एनाल्जेसिक सब्सटेंस। आपने देखा होगा गांव में कुछ लेडीज, अब ज्यादा तो नहीं, कुछ लेडीज पैर में चांदी का ये कड़ा पहनती। हाँ। आपने कभी नोटिस किया है क्यों क्यों पहनती, मतलब इतना वजन लाद के क्यों चलती?
आप देखोगे जिसकी लेडीज के पैर में ये चांदी का कड़ा होगा उसको कभी भी पैर का दर्द नहीं होगा। तो नर्स होती है जो प्रेशर से दर्द रहती और साइड नहीं इसलिए वो लटका है। हम चलते हैं लास्ट मेथड। लास्ट मेथड का नाम है कैथोडिक कैथोडिक प्रोडक्ट। कैथोडिक प्रोडक्शन हम अंडरग्राउंड सर वीडियो पॉज हो गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।